वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आज है महाशिवरात्रि और काफ़ी लेट ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इट्स ऑलरेडी 8 PM बट हमारा आज वैसे भी ऑफिस की छुट्टी थी एंड पूरे दिन बस ऐसे ही घर पे बैठ के टाइम पास किया एंड नाउ हम लोग बाहर जा रहे हैं, स्पेशली टेम्पल जा रहे हैं। मेरे सिस्टर्स भी हमको ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो हम लोग जाएंगे। एक बहुत ही यूनिक टेम्पल है यहाँ बैंगलोर में। अगर आप बैंगलोर से हैं तो आप लास्ट तक देखिए और लेट्स गेट द व्लॉग स्टार्टेड। सो गाइस, माय सिस्टर्स आर हियर। काफी जल्दी प्रोग्राम नहीं बनाया आज बाहर निकलने का। शिवरात्रि है तो वो रात्रि में ही पालन किया जाता है उसको। ओके, एक मिनट, तुम्हारे चेहरे पे थोड़ा ग्लो लाएंगे हम, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा इनविजिबल दिख रही हो। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा व्हाइट लाइट आ गया तो ठीक है। हाँ, आप बोल सकते हैं। एग्जैक्टली ऑन द करेक्ट टाइम एंड पाथ बिकॉज इट्स शिवरात्रि, तो वो रात को ही मनाया जाता है। तो आप अपना फैशन ये क्यों दिखा रहे हैं? जैसे आई एम शोइंग माय राधे माँ करके। तुम उसको क्यों चिढ़ा रहे हो राधे माँ करके? जस्ट बिकॉज उसने बिंदी नो कॉमेंट्स। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोल लो। नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा बोल रही हो इसीलिए बाकी लोग चुप है। अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर जो हमने कभी डिस्कवर नहीं किया है और जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हमको। ओके, निकल पड़े हैं सवारी लेके। सवारी लेके? सवारी कौन है इसमें? अच्छा, तुम्हारे जीजू सवारी है तो बाकी सब कौन है? सो ये लाइन है मंदिर के लिए। ओ गॉड, इतना बड़ा लाइन, लुक एट दैट। शिवरात्रि इनसाइड, इट्स लाइक ये लाइन तो यही एंड हो गया। अच्छा, यहाँ कौन सा लाइन है फिर? ये इधर से है। नहीं, वो एंट्री था ना। अच्छा, वो स्पेशल एंट्री था। ये पता नहीं, ये नॉर्मल है शायद। बट सोचो कितने देर से लोग वेट कर रहे हैं। ऐसे ही पापा भी वेट कर रहे हैं। ओह गॉड, अभी भी गए होंगे वेट करने के लिए। वीआईपी एंट्री। अच्छा, ये वीआईपी एंट्री, नॉर्मल एंट्री, वीआईपी एंट्री। यहाँ पे भी क्लासेस, वीआईपी दर्शन। सही में हर जगह क्लासेस, ये नॉर्मल है शायद। नहीं, खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ से ही एंट्री था शायद। ओह माय गॉड, एक मिनट, अभी मुझे ये रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। क्या बोला अभी तुमने? फेक हंसते हो। मैं फेक हंसती हूँ? अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं फेक हंसती हूँ? मुझे क्यों लगेगा कि तुम फेक, मतलब क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं, सच्चाई बोलना चाहिए तुम्हें, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं फेक नहीं। भैया सुनो ना, क्या बोल रही है? पका दिए तब से। इधर इधर लेफ्ट। आज हम नहीं देख सकते तुम्हें। वो तो थूक रहे हो, पान गुटखा थूक रहे हो। बताओ, और तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कोई नहीं देखे, ज्यादा स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। जोक। ओके, अरे अरे, कोई पीछे से आया कर हाय। मेरे दिमाग में एक सवाल आया तुम्हारे लिए। वो सवाल ये है कि जब तुम बॉम्बे में ड्राइव करते थे और यहाँ पे ड्राइव करते हो, तुम्हें कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है? यहाँ पे क्यों? बॉम्बे में सड़कें तो अच्छी हैं, पर ट्रैफिक बहुत है। पर ट्रैफिक तो यहाँ पे भी है, बट इतनी ही नहीं है, मूविंग ट्रैफिक है। और रोड यहाँ के बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर सिर्फ सीधे सीधे रोड है। वहाँ पे सीधे सीधे रोड के साथ पॉट होल भी है। पॉट होल्स तो हर जगह है। नहीं, यहाँ पे इतना नहीं है। लाइक पॉट होल्स मतलब किनारे किनारे वो लोग खोदते रहते हैं रात भर, बट हो जाता है कभी कभी, है ना? तो मुझसे क्वेश्चन क्यों किया भी? पर मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती थी। सो गाइस, दीदी के हिसाब से आज है कोरोना का एनिवर्सरी। नहीं, क्या बोलते उसको, एक साल पूरा हुआ उसको। नहीं, वो संदीप के हिसाब से था। अच्छा, लेकिन हमें कैसे पता एग्जैक्टली? मुझे लगता है कि फरवरी में हुआ था कोरोना इंडिया में। नो, दिसंबर में चालू हुआ था वर्ल्ड में। हुआ था।
मार्च में हुआ था. हाँ तो मार्च में हुआ होगा. तो हम लोग यही यू नो अभी बात कर रहे थे कि कब वापस नॉर्मल दिन आएंगे. नॉर्मल दिन इन द सेंस बिना मास्क वाले दिन आएंगे. सो गाइस मैं मंदिर जा रही हूँ. आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स नाउ. 2 साल से तो पक्का ऊपर हुआ है कि मैं मंदिर नहीं गई हूँ. जब मैं अपने होम टाउन में थी मैं काफ़ी मंदिर जाती थी क्योंकि हमारे घर के पास काफ़ी मंदिर थे और मैं थोड़ी ज़्यादा ही रिलीजियस थी. मेरे सिस्टर्स भी काफ़ी जाते थे. अरे हाँ मैं जाती थी. झूठ. तुम्हें कैसे पता? तुम तो थे भी नहीं उस टाइम मेरे साथ. मुझे पता है. कैसे पता है? और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं नहीं गई हूँ मंदिर और आज काफी दिनों के बाद मंदिर लेके जा रहे हैं मुझे. सो गाइज हियर वी आर. दिस इज पंचमुखी गणेश टेम्पल. एज यू कैन सी अभी हम अंदर जाएंगे. बहुत ही सुंदर है ये. एंड दिस इज आउटस्कर्ट्स में है बैंगलोर के. लेट्स गो. आई हैव टू शो यू गाइस द वे ऑल द टाइम. आउटस्कर्ट्स में है तो हम अभी घूमने वाले हैं. ये पूरा हाईवे पे है. सो द रोड विच यू सीइंग देयर इज द मैसूर हाईवे एंड ये है टेम्पल. सो गाइस वी कैन नॉट टेक यू इनसाइड बिकॉज यहाँ पे फोटोग्राफी और कैमरा अलाउड नहीं है. तो मंदिर बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही सुंदर है और ये पंचमुखी गणेश जी है. तो इनके आप देख सकते हैं 4 डायरेक्शन में 4 उनके मुख है, फेस है और ऊपर एक और है. तो इट्स पंचमुखी गणेश टेम्पल एंड बहुत ही सुंदर है. अभी थोड़ा सा डिजर्टेड लग रहा है बिकॉज कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए. और या आई मीन वी हैड अ गुड दर्शन. नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक. और हमको बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद मिले हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. सो ये है प्रसाद जो 1 सेकेंड. सो ये है प्रसाद जो हमको मिले हैं. उपमा एंड बूंदी भी मिला था हमको. तो इसको रैप किया जा रहा है अभी. गणपति बापा मोरिया. बहुत जल्दी वापस आऊँगी, सब अच्छा हो जाए. और अभी हम लोग वापस जाएंगे. ये डॉग से कितना डरती है. जैसे ही डॉग आया बोलती है बैठ जाऊंगी. चलो चलो ध्यान से बैठ जाओ बच्चों. बस अभी हम घर जाएंगे, घर वापस जाएंगे. आई थिंक हम लोग कुछ ज्यादा ही डार्क में है और सिर्फ दीदी का चेहरा दिख रहा है और किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है. तो हाँ तो ठीक है. तारीफ मत करो कि गोरी है इसलिए दिख रही है. नहीं वो गोरी तो नहीं है बट गोरा काला से क्या फर्क पड़ता है. दिल साफ होना चाहिए. लेकिन इसका दिल है तुम्हारा इसका बहुत ज्यादा साफ है. बहुत ही ज्यादा. टाइड में साफ किया था या सर्फ एक्सेल में? एरियल में. एरियल में किया था. आजकल टाइड का एक नया एड चल रहा है, सारे इन्फ्लुएंसर्स उसको ऐड कर रहे हैं. वो क्या बोलते हैं टाइड का क्या है, छोटा सा पॉकेट आया कुछ उसको डाल के साफ करते हैं. आपको ऐड करना है उसमें? मुझे नहीं करना. सफेद भी पहना हुआ है. हाँ टाइड की सफेदी. चौंक गए आंटी. Okay, and someone is seriously driving. पता नहीं. Okay. उसको तो serious ही रहना पड़ेगा, नहीं तो हम seriously कहीं और पहुंच जाएंगे. नहीं नहीं अभी हम सब दर्शन अच्छा हो गया है और 10:30 हो रहे हैं अभी और हम लोग पहुंच जाएंगे 11 तक I guess and then we'll see क्या करेंगे रात भर. So guys, it's 11:10 and we have almost reached home and अभी हम vlog को यहाँ पे end करेंगे. आप लोग को कुछ बोलना है, end comments कुछ देना है आप लोग को? Bye, take care, like, subscribe and don't forget to comment. उल्टा बोल दिया. ठीक है. Come on, आपको कुछ बोलना है? नहीं बोलना है. Okay, bye, sweetie. बाय. ओके स्वीटी को बहुत भूख लगी है क्योंकि वो मौन व्रत उसका शुरू हो गया. वैसे भी खाना तो खा नहीं रही है तो बात भी करेगी तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा ना, इसीलिए
और आप कुछ बोलना चाहते हैं आपके मुंह पे मैं फोकस करना चाहती हूँ जूम करके, क्योंकि आपको जूम पसंद नहीं है इसलिए मैं जूम करूंगी। ऑलरेडी बोल चुकी हूँ मैं। ओके फाइन, तो चलिए गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ओह बाय द वे, ओके सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आप नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं और व्लॉग्स के साथ वापस आऊंगी, प्लीज डोंट लाफ एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।